Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28th November of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्रिंसिपल आपको बताना है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, NIA कब फॉर्म किया गया था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब फॉर्म की गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, साथ ही साथ कोई एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लोगों के साथ, क्वेश्चन R247 टाइप करके सर्च में इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है उसको भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो हम बात करते हैं वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और जो आप सर्च करना चाहें, आपको यहाँ पे कई जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना हो तो आप सर्च कर सकते हैं, वो मैक्सिममली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, ये हेल्पफुल है चैनल आपके लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं आज की पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ है फार्मर स्टेज कैम्प्ड ऑन दिल्ली बॉर्डर, कि फार्मर लॉज के कारण जो फार्मर्स गुस्साए हुए हैं। आफ्टर टेंस क्लैशेज विद पुलिस हु यूज टीयर गैस एंड वाटर कैनन बैरिकेड्स वर ओपन, कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई फार्मर्स ने, बहुत ज़्यादा दिल्ली बॉर्डर में बहुत दिक्कतें की हैं दिल्ली में घुसने के लिए, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उस पर पुलिस ने कई एक्शन लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए और एक बहुत ज़्यादा कड़ी फाइट देखी गई। क्या कहते हैं, पुलिस ने गैस के गोले फेंके, वाटर कैनन्स यूज़ किए, बैरिकेडिंग की जिससे फार्मर्स उसको तोड़ के आगे ना आ पाए, जिससे वो बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए, दिल्ली में ना आ पाए, तो इसलिए काफ़ी टेंशन का माहौल था कल। क्या कहते हैं, दिल्ली बॉर्डर पे देखा जा सकता है दोनों साइड से, हरियाणा बॉर्डर भी और यूपी बॉर्डर भी, तो दोनों साइड से दिल्ली में फार्मर्स जाने की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं फार्मर लॉस के ऊपर, और इसीलिए पूरी तरह से ये जो कंडीशन है वो इसी कारण है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स आए थे, लगभग बहुत ज़्यादा लोग आए थे, 10,000 से भी ज़्यादा लोग क्या कहते हैं फार्मर्स आए थे वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, जो सेंटर के 3 न्यू फार्म लॉज है उनको खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट था। तो आफ्टर मॉर्निंग ऑफ टेंस क्लैश विद चाइना वो पुलिस हु यूज टीयर गैस एंड वाटर कैनन इन एफर्ट टू डिस्पर्स द क्राउड, कि क्राउड को क्या कहते हैं अलग अलग करने के लिए उन्होंने वाटर कैनन यूज़ किया पुलिस ने और कई चीज़ें यूज़ की जिससे इन क्लैशेस को रोक पाए, जो कंडीशन बनी है उसको रोक पाए, और क्या कहते हैं जो प्रोटेस्ट इन दिल्ली में घुसने की बात हो रही है उसको रोक पाए। तो पूरी तरह से ये फार्म लॉज के खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, GDP कॉन्ट्रैक्ट 7.5% इन सेकेंड क्वार्टर, कि GDP कॉन्ट्रैक्ट की है 7.5% सेकेंड क्वार्टर में, ऐसा कहा गया है। कंट्री इंटर टेक्निकल रिसेशन, की कंट्री में अब टेक्निकल रिसेशन देखा जा सकता है। तो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है वो 7.5% कॉन्ट्रैक्ट किया है सेकेंड क्वार्टर में 2020-21, जो रिकॉर्ड था फॉलोइंग द रिकॉर्ड 23.9% डिक्लाइन जो पहले क्वार्टर में देखा गया था। कोरोना कारण जो डिक्लाइन 23% था वो अब कम होकर 7.5% बचा है, लेकिन भी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करा है GDP, तो अभी भी रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो वही कहा गया है कि कंट्री अब इस वक्त टेक्निकल रिसेशन में पहुंच चुका है, जो 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, कि जहाँ पर 2 क्वार्टर्स जो इस एक साल में जो 2 क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है, तो पूरी तरह से इस वक्त टेक्निकल रिसेशन देखा जा सकता है, तो ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया। अगली न्यूज़ आती है, IGNCA में शट फॉर 3 मंथ्स टू शिफ्ट टू टेम्प्रेरी लोकेशन, कि IGN जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है वो शिफ्ट हो रहा है टेम्प्रेरी लोकेशन में इस वक्त 3 महीने के लिए, क्योंकि उसका नया न्यू कैंपस टू बी नियर जामनगर ऑफ हाउस बनने वाला है। तो क्या करें, इसलिए IGNCA जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट उसको टेम्प्रेरी लोकेशन अभी शिफ्ट किया जा रहा है 3 महीने के लिए, जब तक वो नया जो लोकेशन है नया कैंपस वहाँ पे स्टैब्लिश ना हो पाए जामनगर हाउस के पास, तो तब तक उसे टेम्प्रेरी लोकेशन रखा जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं ये IGNCA है क्या, इसको अलग से देख लेते हैं क्या होता है ये IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट इज प्लानिंग टू हाईलाइट द वर्क ऑफ आर्टिस्ट, ये यहाँ पे अपने आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने अपना वर्क वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, इंटरटेनिंग या बूस्टिंग द पब्लिक्स मोरल, कहते हैं इसका की पॉइंट था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1987 में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये एक तरह से सेंटर फॉर रिसर्च एकेडमिक परस्यूट एंड डिसेमिनेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स के लिए इसे बनाया गया था।
IGNCA has a trust board of trustees है जिसमें जो रेगुलरली मीट करते हैं जनरल डायरेक्शन अबाउट द सेंटर्स वर्क। इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है जो ड्रॉन फ्रॉम द अदर ट्रस्टीज फंक्शन अंडर द चेयरमैन, कि जो चेयरमैन के अंडर वर्क करती है। इट इज़ अ रिसर्च यूनिट अंडर प्रोजेक्ट मौसम, कि जो एक प्रोजेक्ट मौसम था उसके अंदर ही रिसर्च यूनिट है जिसे इसमें यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट मौसम जो है था वो एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो प्रोजेक्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, न्यू दिल्ली एज द नोडल एजेंसी। ये आर्कियोलॉजी जो सर्वे ऑफ इंडिया उसके साथ, वो जो नोडल एजेंसी उसके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट था मौसम, उसी के लिए वर्क करते थे। जो सेंट्रल थीम थी प्रोजेक्ट मौसम की, वो कल्चर रूट्स और मैरीटाइम लैंडस्केप उनको एक साथ लाना, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन लिटोरल जो है बट ऑल्सो कनेक्टेड द कोस्टल सेंटर टू द हिंटरलैंड्स, की जो कोस्टल सेंटर्स हैं उनको हिंटरलैंड से कनेक्ट करना भी इसका काम था प्रोजेक्ट मौसम का। प्रोजेक्ट ऑन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैदिक हेरिटेज पोर्टल, जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है उनको भी डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट करना इसका ही काम था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर बनाया गया था ये प्रोजेक्ट मौसम, और ये क्या कहते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता था। तो पूरी तरह से ये जो IGNCA है ये पूरी तरह से जहाँ पर आर्टिस्ट अपना वर्क डिस्प्ले करते हैं, तो वो एक तरह से वो है। तो अब नया लोकेशन इसको मिल रहा है, पुराने लोकेशन से इसे हटाया जा रहा है, टेम्प्रेरी लोकेशन में भी रखा जा रहा है, लेकिन ये अब नया हाउस इसका जामनगर हाउस के पास बन रहा है ये। तो अब देखना है कि कैसे बनता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है GMRT अकॉर्डेड प्रेस्टीजियस IE माइलस्टोन स्टेटस, की GMRT जो है जायंट मेट्रो वेव मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है पुणे में, जो क्या कहते हैं हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ माइलस्टोन फैसिलिटी बाय द यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेडिकेट किया है इस चीज़ को एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन ऑल एरियाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एरिया में लोग वर्क करते हैं उनको इसका अवार्ड दिया जाता है। तो ये एक तरह से माइल स्टोन दिया जाता है। तो जो GMRT है जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये पुणे में है, जहाँ पे क्या कहते हैं एक एरो ऑफ 30 पैराबोलिक जो देख सकते हैं आप जैसे फोटो में, ये पैराबोलिक शेप का है। ये पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो 45 मीटर डायमीटर इन पुणे, क्या कहते हैं इनका डायमीटर 45 मीटर है और ये पुणे में है। तो इससे पहले जो IEEE माइलस्टोन है, ये इससे पहले दो लोगों को और मिल चुका है। ये तीसरी बार इंडियन किसी को मिला है। तो ये इससे पहले मिला था JC Bose के वर्क को, जो क्या कहते हैं उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था जनरेशन रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन 1895, जो रिकॉग्नाइज किया गया 2012 में एंड फॉर द नोबेल प्राइज़ विनिंग इन 1930, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। उसी तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए भी मिला है CV Raman को 1928 वर्क के लिए। तो ये दो माइलस्टोन है जो मिले हैं इंडिया को। ये तीसरा माइलस्टोन है ये GMRT जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो काफ़ी बड़ी बात है कि क्या कहते हैं IEEE माइलस्टोन मिलना, क्योंकि इस फील्ड में लोग बहुत वर्क करते हैं और इस तरह का माइलस्टोन मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है टेक टैक्ट की। टेक टैक्ट मतलब कि जो लड़ाई चल रही टेक्नोलॉजी अटैक जो डाल रहे हैं एक दूसरे के बीच में, जो इंडिया चाइना के बीच में मैक्सिमम चल रहे हैं, जो इंडिया बैन करता जा रहा है धीरे धीरे सारे, लगभग 250 ऐप चाइनीज़ ऐप मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए गए इंडिया के द्वारा। तो उस पर जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, उनका कहना है कि पूरी तरह से वो अपना जो रिलेशन है एक बायलेटरल रिलेशन जो हमारे बीच में है उसको पूरी तरह बायलेटरल कोऑपरेशन जो हमारे बीच में है इंडिया चाइना के बीच में उसको ख़त्म कर रहा है इंडिया। तो ऐसा वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कहना है। और इंडिया का कहना है कि ये जो ऐप्स है ये पूरी तरह से इंडिया की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डैमेज कर रहे थे और जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर है उसको भी डैमेज कर रहे थे, इसलिए ये ब्लॉक किए गए। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वुड दिस हैव कम अबाउट इफ़ ऑल दैट वॉज हॉन्की डोंकी बिटवीन द टू कंट्रीज़, कि अगर जो इंसिडेंट हुआ मई में दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर वो ना होता तो इस तरह का एक्शन इंडिया के द्वारा होता। तो इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है इस एडिटोरियल में। तो इसमें ये भी कहा गया इंडियन ऐप की इस वक्त ज़रूरत है कि वो उसके अल्टरनेटिव ढूंढें, जो ऐप्स बैन किए गए वो सारे ऐप्स के अल्टरनेटिव ढूंढे जाएँ, तभी इंडिया ग्रोथ भी कर पाएगा और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसके अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे। एट लास्ट इसमें कहा गया देर इज़ अ नीड टू इम्प्लीमेंट अ लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉ, की जो लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंगेज करना हमारा इकोसिस्टम और प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन द इशूज एज इंडिया हैज़ टू विन द टेक्नोलॉजी बैटल एज वेल, कि हमें एक क्लैरिटी लाना है इशूज़ जो इंडिया में उससे, जिससे हम जो ये टेक्नोलॉजी बैटल हम चाइना के साथ खेल रहे हैं उसको हम जीत सकें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे एडिटोरियल में वो जो चाइनीज़ ऐप बैन हुए उसके बारे में इसमें बताने की कोशिश की गई है। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। द वाइफ हाफ फुल हेयर एंड ओपेसिटी विद डिले द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेफ एंड एफिशियस वैक्सीन। तो ये सेकेंड एडिटोरियल जो है वायल हाफ फुल, इसके बाद इसमें पूरा में बताया गया है कि जो वैक्सीन है, जो कुछ वैक्सीन जो थी, जैसे इसमें बताया गया जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाई थी, वो जो उसके जो लास्ट ट्रायल थे, तो जो वॉलेंटियर्स थे जिनके ऊपर हो रहा था, तो कुछ डोसेज में उनको हाफ हाफ दिया गया, जो काफ़ी जिसके कारण कुछ लोगों को इफेक्टिव था कुछ लोगों को इफेक्टिव नहीं था। तो इस में पूरे में यही बताया गया कि तो किस कंडीशन में किस तरह से किसको वैक्सीन दी जा रही है, इसके बारे में पूरा एडिटोरियल में बताया गया है। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है स्टेपिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ इंडिया माल न्यूट्रिशन, कि हमें जो इंडिया में माल न्यूट्रिशन की कंडीशन चल रही है, जैसे हमने देखा है कि इमीडिएट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द PDS की ज़रूरत है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उसको पूरी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी फूड आइटम्स एंड कम्युनिटी किचन्स आर की सॉल्यूशन, कि ये फ्यूचर सॉल्यूशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। इसमें बताया गया है जैसे सेटुलर में बताया गया, जैसे कि हमने देखा कि जो शुरू में एक लिखी है बात, उसमें लिखा है कि देर हैव बीन अ न्यूमरस इंस्टेंसेस ड्यूरिंग द प्रेयर सीजन इन स्कूल वेर वी ऑफन ऑब्जर्व स्टूडेंट्स फीलिंग सिक एंड फॉलिंग डाउन आउट ऑफ डिजीनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक मिड डे मील्स एंड वास्क दे आर कंप्लेन ऑफ स्टमक ए, कि इसमें बताया गया है कि एक टीचर ने कंप्लेन की है, वेस्ट बंगाल के एक टीचर है, एक टेलीफोनिक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने कंप्लेन की कि कुछ बच्चे उनके स्कूल में ऐसे हैं जो क्या कहते हैं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं प्रेयर सेशन में, और कुछ ऐसे हैं कि वो खाना नहीं खाना चाहते मिड डे मील्स, वो कहते हैं कि उन्हें पेट दर्द हो रहा है, तो इस तरह की कई कंडीशन है। तो इस क्या कहते हैं उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से किस कारण है, वो टेलीफोनिक सर्वे हुआ था देखने के लिए कि किन स्कूलों में कैसी कंडीशन है, क्या माल न्यूट्रिशन की दिक्कतें कैसे लोगों में है, किस तरह की कंडीशन बन रही है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसके लिए ये टेलीफोनिक सर्वे किया गया था। तो इसमें इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई, इसमें ये भी कहा गया कि एक देखा गया है जैसे कि एक टीचर ने एक सर्वे में हुआ उसमें देखा गया एक टीचर ने कहा कि जो इस साल बच्चे आए वो जो गर्ल्स आई उनकी हाइट छोटी है, जो पिछले साल थी उनकी हाइट बड़ी थी, तो ये माल न्यूट्रिशन के कारण की हाइट में भी दिक्कतें होती हैं। दो रिसेंट रिपोर्ट थी, एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा थी, और जो 2020 हंगर रिपोर्ट थी बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो बाय द ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, उसमें कहा गया था कि इंडियन फूड इनसिक्योरिटी है और माल न्यूट्रिशन है, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है फैक्ट्स इंडिया में इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन का, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन का। तो इसमें यह भी कहा गया कि पॉवर्टी भी एक रीज़न है जिसके कारण ये माल न्यूट्रिशन हो रहा है, जैसे हमने देखा कि कुछ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे और ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, और कुछ नेबरिंग कंट्रीज हमसे इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें कहा गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो POU है वो डिक्लाइन किया 24.7% बिटवीन 2001 से 2018 फॉर इंडिया, और अदर डाटा जो चाइना का है 76%, नेपाल का 74%, पाकिस्तान का 42%, अफगानिस्तान 37%, बांग्लादेश का 18%। तो इट मस्ट नॉट बी डिनोटेड दैट द डिक्लाइन इन चाइना इज़ वे हायर देन दैट ऑफ इंडिया, की इंडिया चाइना में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन किया है। तो इस तरह की पॉवर्टी कंडीशंस भी इम्प्रूवमेंट के कारण भी हम इस माल न्यूट्रिशन को रोक सकते हैं। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि कैसे हमारे यहाँ इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी है, कैसे माल न्यूट्रिशन है जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। तो इस पूरे में यही बात की गई है, पूरे एडिटोरियल में यही है, आप पढ़ सकते हैं इसे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है NIA क्लेम्स प्रोग्रेस इन राणा एक्सट्राडिक्शन प्लान, कि इसमें इंपॉर्टेंट आता है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा, एक सेंट्रल एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंसेस जैसे अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के, जो स्मगलिंग होती है हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी की उसको रोकने के लिए, और एक टेरर को ख़त्म करने के लिए वर्क करती है, और एक सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है।
इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में, यहाँ भी इसके हैं। तो इसे बनाया गया था 2008 जो मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था। अभी जब परसों जो इसकी एनिवर्सरी मनाई गई, 12th एनिवर्सरी जो अटैक हुआ था उसकी, और कहते हैं जो उसके बाद ही NIA को बनाया गया था। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ अभी 2019 में, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेज रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट जोड़ा गया, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट से जो रिलेटेड ऑफेंसेज होते हैं उनको जोड़ा गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट होती है जो पूरा डिसीजन लेती है, और इसका जो कोर्ट ऑफ सेशंस होते हैं वो वर्क करते हैं पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा। अगर कोई भी इनके डिसीजन ज्यूरिडिक्शन में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वो डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है चाइना स्लैब्स 200% टैक्स ऑन ऑस्ट्रेलियन वाइन की। चाइना ने 200% टैक्स लगाया ऑस्ट्रेलियन वाइन में एक, तो इसमें कहा गया है कि चाइना ऑन फ्राइडे एडेड वाइन टू द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स पार्ट फ्रॉम इट्स मार्केट। जो एक नई वाइन आई है चाइना में, उसको जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से आरोप लगाए थे कोरोना वायरस के ओरिजिन पे कि चाइना ने ओरिजिन किया, तो इस पर शायद इसी कारण चाइना ने उसको दिखाने के लिए कि हम इस तरह के जो कंडीशन हमारे लिए बोलेंगे तो हम भी कैसे कर सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है उन्होंने टैक्स लगाया 212.1% का। जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड मिनिस्टर सेट मेक ऑस्ट्रेलियन वाइन अनसेलेबल इन चाइना हिज कंट्रीज बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, कि कहते हैं जो ऑस्ट्रेलियन वाइन है उस पर ये टैक्स लगाया गया। तो ये काफ़ी बड़ा टैक्स है, 200% टैक्स लगाना काफ़ी बड़ी बात होती है, और इस तरह से कंडीशन जो ये चाइना बना रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ ये भी उसके लिए अच्छा नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है हेट्रो टू प्रोड्यूस रशियाज कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया, कि हेट्रो प्रोड्यूस करेगा जो रशिया की कोविड-19 वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसको इंडिया में हेट्रो प्रोड्यूस करेगा। मोर देन 100 मिलियन डोजेज ऑफ स्पुतनिक वी टू बी मेड इन आईएस, कि 100 मिलियन डोजेस बनेंगे स्पुतनिक वी के इस ईयर में। तो क्या कहते हैं, वही बात की गई कि स्पुतनिक वी इंडिया में बनेगा और इंडिया में हो भी सकता है यूज़। तो क्या कहते हैं, अब देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कितना इफेक्टिव है, उसके हिसाब से ही इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और ये अच्छी बात यह है कि उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही उस वैक्सीन को यूज़ किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।